सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी ने स्पेशल कोर्ट में जमानत के लिए फाइल की रिपोर्ट। आखिर क्या है इसके पीछे वजह, आइए जानते हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस सुशांत सिंह राजपूत के आकस्मिक और असामयिक निधन के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बॉलीवुड में एक कथित ड्रग्स शॉर्टकट की जांच कर रहा है। उन्होंने मामले में कई वी टाउन के दिग्गजों को तलब किया और कुछ को गिरफ्तार भी किया। मई 2021 में दिवंगत सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त और फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी को एनसीबी ने गिरफ्तार किया था। खबरों की माने तो ड्रग्स मामले में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में पिठानी ने जमानत के लिए विशेष अदालत का दरवाजा खटखटाया है। रिपोर्ट के मुताबिक गुण दोष के आधार पर ये पिठानी की पहली जमानत याचिका है, जहां पर ये उल्लेख किया गया है कि उसके पास से कोई भी प्रतिबंधित पदार्थ की बरामदगी नहीं हुई है और ये सुझाव देने के लिए कोई आपत्तिजनक सामग्री भी नहीं है कि वो किसी भी नशीली पदार्थों और मनोदैहिक पदार्थों के लेन देन में शामिल थे या फिर नहीं। बता दें, याचिका में ये भी उल्लेख किया गया था कि इनकी एनसीबी एसएसआर के हाउस मैनेजर और कुक के बयानों पर निर्भर था कि उसने गांजा खरीदा था। बता दें, पिछले महीने ही पिठानी को 15 दिनों के लिए अंतिम जमानत दी गई थी। कोर्ट ने उनके शादी के लिए जमानत का आदेश जारी किया था। शादी के बाद ही सिद्धार्थ पिठानी ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। वेल, आपको ये अपडेट कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं और इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल के बेल आइकन को प्रेस करें। देखते रहिए हमारे चैनल को और इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।